देखो सरदार चरणजीत सिंह बराड़ जिहड़े हजे नवे नवे सियासी खेत्र दे विच अपना पैर जमाउण दा यतन कर रहे हैं, मैं समझदा कि बड़ी छेती वह पलंघा पट के ते मंजिल नूं सर करन दे यतना विच है, जदों कि इस दे लई कई लंबा समा कई दहाके लग जाते हैं स्थापतीकरण वास्ते। बराड़ साहब, तुसीं धामी साहब दे बारे कोई गल कहण तों पहलां मैं उन्होंने गल कहनी चाहुंदा कि वो धामी साहब की शख्सियत, उन्हों का सुभा, उन्होंने पंथ नूं देन, उन्हों वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की थोड़े समय च की जी अगवाई है, वो उसनों जरूर निरीक्षण एनालिसिस करने तो बाद उन्होंने कोई गल कहनी चाहिए थी। वो सिर्फ एक गल सीखी है, मैं देखदा कि वो सिर्फ बोलना लिखना जानते हैं, और कुछ नहीं उन्होंने पता लिखन लग्या। कई लोग प्रज्यूम करके कहानियां लिख देंगे, वो कहानियां सच्चियां नहीं होंदिया। सो बराड़ साहब, ये जरा तुसी गल्लां करते हैं, ये सूरज नूं जाके बदलां दी कोई लिया देवे कहे कि मैं अही बस सूरज नूं लुकोता, सूरज लुकते नहीं होंगे, सूरज अपने उवें ही चमकते रहते हैं। धामी साहब बहुत महान आगू है सिख पंथ दे, मैं समझदा कि अज जिहड़े पिछले समय दे जदों दे असीं होश संभाली है, जिहड़े उस समय दे प्रधान असीं वेखिया, पिछले तां बहुत दरवेश प्रधान साडे जो दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है वो बने हैं, लेकिन असीं टौड़ा साहब दे समय तों वेखदे आ रहे हैं। उस समय तो अज तक दे प्रधानां विचों मैं जे ग्रेडिंग करनी चाहूंगा तो मैं समझदा कि टौड़ा साहब के नाल दूजा एक प्रधान जिहड़ा उह धामी हरजिंदर सिंह धामी, जिन्होंने बहुत वड्डे वड्डे फैसले और बड़े सूझबूझ का उन्होंने जिहड़ा प्रगटावा बतौर प्रधान बन के, सब तो वड्डी गल कहिंदे अपने विरोधी उत्ते कोई माड़ा लक्ष नहीं लाया, कहिंदे उन्होंने किसी नूं गलत नहीं बोलिया, कोई माड़ा लफ्ज नहीं बोलिया। फिर उन्होंने श्रोमणी कमेटी के वास्ते बहुत वड्डे वड्डे आ बंदी सिंघां का मामला, भाई अमर सिंह का मामला, जिथे उन्होंने ये भाई बलवंत सिंह राजोआण का मामला, जिथे उन्होंने बहुत जोर दे नाल इन्हां मामलों उत्ते काम किया, उत्थे आ जिहड़ा धर्म प्रचार के खेत्र में शताब्दियां आई हैं, जो अगे सरकारां वेले शताब्दियां ही मनाउंदे सी, इस बार आ गोइंदवाल साहब की शताब्दी हुण असीं मना के हटे हां। उहदे विच जो धामी साहब का उस शताब्दी विच नतीजा सामने आया, वो सिख संगतां ने वेख्या कि किन्ना वड्डे प्रबंध वड्डे पद्धर ते उस शताब्दी जिहड़ी आ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ श्री अकाल तख्त साहब का जो कोई मसला आ जाता उदों सारयां नूं बड़े अपने आप दे उत्ते कंट्रोल रखने की लोड़ हुंदी है, एवें भी कोई गल करदे नहीं जां एवें बिना सारी अंदरली गलबात तों कोई गल कहणी कोई शोभा नहीं दिंदी। जदों जथेदार साहब का अस्तीफा आया, सब तो वड्डा स्टैंड धामी साहब ने लिया, उन्होंने उस वेले उन्हां दा अस्तीफा जिहड़ा उह रद्द कीता, भावें कि जथेदार साहब ने आदेश करता सी, पर धामी साहब ये नहीं कि जे आदेश जथेदार साहब ना भी करदे उसके बावजूद धामी साहब ने अस्तीफा प्रवान नहीं करना। वह बहुत सूझवान गुरमत के धारनी गुरमुख सुभाव वाले व्यक्ति है, जथेदारा का तख्त साहबाना का कभी भी निरादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो मैं ये गलते बड़ा स्पष्ट हाँ कि यह जो कुछ भी किया जा रहा, यह जो 28 तरीक इलैक्शन आ रही है श्रोमणी कमेटी की चोण प्रधान की एग्जैक्टिव की, उनके वास्ते पापड़ वेले जा रहे हैं, लेकिन धामी साहब का दी शख्सियत इतनी वड्डी बन चुकी है कि सारे मैंबर जिन्हें धामी साहब के नाल पिछले समय तो काम करते आ रहे हैं वह बहुत माण करते, असं एक दूजे मिलते हैं तो हर कोई धामी साहब की सिफत अपने नालों अगले नालों 4 गल्लां वध दसण की कोशिश करता कि धामी साहब कितनी वड्डी शख्सियत।